नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म की अंतिम दिन की कथा, अध्याय 31 में श्री पुरुषोत्तम मास महात्म की महानता का वर्णन। सूत जी बोले, हे विप्रों, नारद मुनि पतिव्रता स्त्री धर्म को विस्तार पूर्वक सुनकर नारायण मुनि से कुछ और पूछने लगे। हे बद्रीपते, आपने कांसे के संपुट का दान सब दानों से अधिक बढ़कर बतलाया है, इसका स्पष्ट कारण मुझे बतलाएं। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, एक समय पार्वती जी ने इस व्रत को किया था, तब उस समय उन्होंने महादेव जी से पूछा कि ऐसा कौन सा उत्तम दान है जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम मास का व्रत पूर्ण हो जाएगा। हे दया सिंधु, उस दान को सब लोगों के कल्याण के लिए आप मुझसे कहिए। यह सुनकर महादेव जी श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके सब लोगों के कल्याण की इच्छा से पार्वती जी से बोले, हे अपर्णे, पुरुषोत्तम मास में व्रत की विधि पूर्ण करने के बाद वेद में कहीं भी कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, श्री कृष्ण के प्रिय, पुरुषोत्तम मास में जो जो उत्तम दान कहे हैं वे सब तुच्छ हो गए हैं। हे पार्वती, कहीं भी ऐसे दान का विधान नहीं है जो पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूरा हो जावे। हे वारानने, पुरुषोत्तम मास में व्रत पूर्ण करने के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान ही योग्य है। हे वरानने, इस दान को कहीं भी कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, इसलिए इस ब्रह्मांड के प्रतिनिधि स्वरूप कांसे का संपुट बनाकर उनमें 30 मालपुए रखकर 7 तागों से लपेटकर विधिवत पूजा करके व्रत की पूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को दे दें। यदि आर्थिक स्थिति ठीक हो तो ऐसे 30 संपुटों का दान करें। इस प्रकार लोक हितकारी महादेव जी के ऐसे सुंदर वचन सुनकर पार्वती जी लोक कल्याण की इच्छा से अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 कांसों के संपुट विद्वान ब्राह्मणों को दान में देकर व्रत के विधान को पूरा करके अत्यंत सुखी हुई। सूत जी बोले, हे विप्रों, नारद जी भगवान बद्री नारायण के अमृत तुल्य वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार नमस्कार कर फिर कहने लगे, यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों का सर्वश्रेष्ठ मास है। आज इसका महात्म सुनकर मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है कि भक्ति मात्र से सुन लेने पर जब मनुष्य के महापाप नष्ट हो जाते हैं तब श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से जो करता है तो उसका तो कहना ही क्या है, क्योंकि अमृत पीकर अत्यंत तृप्त हुए मनुष्य को दूसरे जलपान करने की इच्छा नहीं रहती है। इसलिए अब इससे आगे कुछ भी सुनने की मेरी इच्छा बाकी नहीं रह गई है। सूत जी बोले, ब्रह्म ऋषि ऋषिवर नारद जी इतना कहकर शांत हो पुरातन मुनि बद्री नारायण के चरण कमलों में मस्तक रखकर नमस्कार करने लगे। जो मनुष्य भारत खंड में जन्म लेकर पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं वे घर के जंजाल में आसक्त होकर फंसे हुए अधम हैं। ऐसी दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य बार बार जन्मते और मरते हैं और जन्म जन्मांतर में पुत्र, मित्र, भार्या एवं प्रियजनों आदि के वियोग के दुखों से दुखी रहते हैं। सूत जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठों, इस पुरुषोत्तम मास में आस्तिक मनुष्य अन्य शास्त्रों का वर्णन न करे, न पराई सेज पर शयन करे, न कभी झूठ बोले, न कभी पर निंदा, आलोचना और चुगली करे, न पराया अन्न खावे, न कभी दूसरे की नकल करे, न धन की कंजूसी करे। कंजूसी त्यागते हुए सच्चरित्र ब्राह्मणों को दान दे। धनवान होते हुए भी जो कंजूसी करते हैं वे रौरव नरक में जाते हैं। व्रती लोग दिन में सायकाल के 4 बजे के बाद भोजन करें, अतः वे लोग धन्य हैं जो पुरुषोत्तम मास का नियम पालन करते हैं। महाराज इंद्रद्युम्न, यौवनाश्व और भगीरथ सब राजा लोग पुरुषोत्तम मास की आराधना कर श्री भगवान के निकट पहुंच गए। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों से श्रेष्ठ है और वांछित फल देने वाला है। इसके लिए हमें निम्न मंत्र का जाप करके भगवान का ध्यान करना चाहिए।
गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव मिशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपाल गोरूपधारी गोकुल के उत्सव ईश्वर गोप किशोरियों के प्रिय गोविंद भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कौंडिन्य मुनि ने कहा, जो व्यक्ति इस मंत्र को जपते हुए पुरुषोत्तम मास व्यतीत करते हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। अतः दिव्य स्वरूप मुरलीधर दो भुजाधारी नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीताम्बरधारी शोभायमान श्री राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताना चाहिए, जिससे समस्त मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत हर एक व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। जो मनुष्य गंगा आदि सब तीर्थों में स्नान करने से तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके जितना पुण्य प्राप्त करता है, उतना पुण्य इस पुरुषोत्तम महात्म के सुनने से प्राप्त हो जाता है। इसके सुनने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज को पाता है, क्षत्रिय पृथ्वी का अधिपति होता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को श्रेष्ठ उच्च पद प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त अन्य पशु वृत्ति वाले किरात हूण मलेच्छ आदि जितनी जातियां हैं वे सभी मोक्ष को प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास ग्रंथ को पीले वस्त्र में लपेट कर किसी विद्वान पंडित को दान देते हैं वे अपने तीनों कुल का उद्धार करके हरिलोक को जाते हैं, तथा जो अपने घर में रखकर इसका पूजन करते हैं वह घर तीर्थ के समान बन जाता है। ऐसे आनंदित पुण्य पद श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनकर समस्त ऋषि लोग चकित हो गए और भगवान की सेवा में लीन हुए जन श्री सूत जी से बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। हम सब आपके मुख कमल से श्री कृष्ण की कथा रूपी अमृत भरी वाणी को सुनकर नैमिषारण्य के वासी मुनीश्वरों ने आपको अत्यंत पूज्य ब्रह्मासन दिया है। अतः आप ऋषि समाज में इस धराधाम में श्री कृष्ण भगवान की रमणी कथा कहते रहें। आपके मुख कमल से श्री कृष्ण की कथा रूपी अमृत वाणी को सुनकर तब सूत जी ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर उनको नमस्कार करके तथा उनसे आशीर्वाद लेकर अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चले गए और नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त मुनिजन इस पुरुषोत्तम मास के महात्म को, जो अत्यंत श्रेष्ठ है तथा भक्तजनों को वांछित फल का देने वाला है, कल्प वृक्ष के समान है, आपस में कहते हुए भागवत कथा में लीन हो गए। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 31वां अध्याय समाप्त। और इसी के साथ ब्रह्म नारदीय पुराण अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम महात्म संपूर्ण। श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय।